हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा तोरण, जिसको कि मैंने बनाया है अपने पुराने सूट और कार्डबोर्ड की हेल्प से। इसमें मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास घर में वेस्ट ही पड़ी हुई थी। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी एक पुराने बेलवेट की शर्ट ली है और उसको ना मुझे जितना कि इसका मतलब लंबाई चौड़ाई चाहिए थी ना अपने दरवाजे के हिसाब से, मैंने उसको उसमें कट कर लिया है। कट करने के बाद फिर मैंने इसको ना सिलाई मशीन की हेल्प से ना इसको इस तरह से सिल लिया है। आप चाहें तो इसमें जो एक फैब्रिक ग्लू आती है उससे भी आप इसको जोड़ सकते हैं, या तो आप इसमें फेविकोल का यूज़ भी कर सकते हैं, या तो आप इसको हाथों से ही भी सिल सकते हैं, लेकिन मेरे पास मशीन थी तो मैंने उसी से इसको सिल लिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक पुराना ये लेस थी मेरे पास पड़ी हुई, ये भी यूज़ ठीक ही थी, तो इसको मैं इस तरह से यहाँ पे लगा दूँगी। इसको भी मैंने सिलाई मशीन की हेल्प से ही यहाँ पे लगाया है। आप यहाँ चाहे तो यहाँ पे ग्लू गन या फिर फेविकोल का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको एक साइड मैंने रख दिया है और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं कार्डबोर्ड के 7 पीसेस, ये देखिए। और मेरे पास ना एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी और उसके बीच में बड़े ही सुंदर एक गणेश जी की पिक्चर बनी हुई थी, तो इसका यूज़ भी मैंने यहाँ पे किया है। जो कार्डबोर्ड के पीस मैंने कट किए थे ना उसको इस तरह से ऊपर रख के मैंने देख लिया है और इसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इसमें हमारे पूरे गणेश जी आ गए हैं। और फिर मैंने यहाँ पर ब्लू, येलो और ग्रीन कलर का यूज़ किया है इनको पेंट करने में। आप चाहें तो यहाँ पे किसी और कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने इनको यहाँ पे 3 कलर ही किए हैं, आप चाहें तो यहाँ पे इससे ज़्यादा भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए फटाफट से इनमें मैंने कलर कर दिया। और सूखने के बाद मेरे पास ना एक गोटा पट्टी पड़ी हुई थी पहले से ही, अगर आपके पास नहीं है तो ये ना मार्केट में 5 रुपये की कुछ ही आ जाती है और उससे काफ़ी सारा काम हमारा हो जाता है। और उसको फेविकोल की हेल्प से मैंने इस तरह से लगा दिया है। मैंने यहाँ पे इनको कट करके ही लगाया क्योंकि फेविकोल ना थोड़ा सा टाइम लेता है चीज़ों को जोड़ने में, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे कट कर लिया। अगर आप हॉट ग्लू गन से इसको यहाँ पे लगाएंगे तो फिर आपको कट करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको ईजिली साइड से फोल्ड भी कर सकते हैं। और फिर मैंने लिए हैं कुछ मिरर्स अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे किसी स्टोन या मोती का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि वो हमारे पुराने सूट होते हैं उनमें भी काफ़ी सारे लगे होते हैं, उन्हीं को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इनको बना लिया है और डिफरेंट डिफरेंट शेप के मिरर का यूज़ मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद फिर ये जो गणेश जी थे हमारे उनके बीच में मैंने सॉरी साइड में मैंने बड़े मिरर का यूज़ किया है। उसके बाद फिर 3D आउटलाइनिंग से ना मैंने थोड़ा सा इनको ना हाईलाइट कर दिया है। कुछ ही चीज़ों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, बाकी वैसे की वैसे ही मैंने रहने दिए हैं क्योंकि इसका कलर ना काफ़ी अच्छा था, वो ख़राब नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद बारी आती है इसके बीच में कुछ लिखने की। मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाए हैं और 2 पे मैंने ओम लिखा है और 2 पे मैंने एक में शुभ और एक में मैंने लाभ लिखा है। यहाँ पे ना मैंने 3D आउटलाइनर का ही यूज़ किया है, अगर आपके पास है ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे इनको कलर से भी ब्रश की हेल्प से लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कोई परमानेंट मार्कर है तो आप उसकी हेल्प से भी इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए और फिर वाइट वाले से ना मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन साइड में बना दिया, कुछ डॉट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं और ये बन गए हैं। और उसके बाद फिर मैंने कुछ बेल लिए हैं, ये मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी और ये भी इसका एक मैंने पैकेट लिया था 80 रुपये का लगभग 1.5 साल पहले, तो अभी काफ़ी सारी बेल्स इसमें है मेरे पास और काफ़ी मैंने यूज़ कर ली है। तो ये देखिए इस तरह से इनको मैं लगा दूँगी, ये देखिए सभी को मैंने यहाँ पर लगा के रेडी कर लिया है और फिर हम इसको यहाँ पर स्टिक करेंगे। यहाँ पे मैंने फेविकोल की हेल्प से इनको यहाँ पे स्टिक किया है, आप चाहें तो इनको फेविकोल की हेल्प से या फिर हॉट ग्लू गन से या फिर सुई धागे की हेल्प से भी इनको स्टिक कर सकते हैं। बड़ा ही इजी DIY है ये हमारा, इसको बनाने में भी हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगा है।
लेस हमारे पास घर में पड़ी होती है, पुराने सूट हमारे पास घर में पड़े होते हैं और मिरर नहीं है तो हमारे पुराने सूटों में जैसे स्टोन वगैरह लगे होते हैं हम उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन्हीं थोड़ी बहुत चीज़ों का यूज़ करके ही हम अपने घर के लिए सुंदर सुंदर से DIY बना सकते हैं, क्योंकि दिवाली में ये वाली चीज़ें आप लोगों को भी पता होगा कि काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, तो क्यों ना हम इनको घर में ही थोड़े से सामान से और अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएँ और अपने घर को सुंदर बनाएँ। तो ये देखिए, ये रहा इसका फाइनल लुक। अभी मैं इसको आपको ऐसे ही दीवार पे बाहर लगा के दिखा रही हूँ और ये मैंने अपने डोर पे थोड़ा सा इसको ऐसे ही मतलब चिपका के दिखा दिया है आपको टेप की हेल्प से। इसको मैं दिवाली पे ही लगाऊंगी, आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं इसी तरह से किसी और वीडियो में।